गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर सिंगला ने चुनाव प्रचार जो है वो तेज कर दिया है। जनसंपर्क कर वो लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और बीजेपी की कल्याणकारी नीतियों की जानकारी भी दे रहे हैं। सुधीर सिंगला की माने तो गुरुग्राम के लिए उनके पास कई प्लान भी है। प्रचार के दौरान सुधीर सिंगला ने विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरा किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। एक तरफा चुनाव है, पूरे हरियाणा में एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई कुछ है ही नहीं। भारत माता की जय बोलने वाले रहेंगे हरियाणा में, तो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनको पूरा कराएंगे। बाकी जहां जरूरत होगी यातायात के लिए अंडरपास बनवाना होगा तो वहां अंडरपास बनवाएंगे। सिविल हॉस्पिटल की मैंने कहना है कि सिविल हॉस्पिटल 500 बेड का है वो बनवाएंगे। सिटी हॉस्पिटल जो बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड को सिटी बस स्टैंड बनाएंगे और इंटरसिटी बस स्टैंड जो है शहर से बाहर ले जाएंगे। बाकी स्वच्छ गुड़गांव, स्वस्थ गुड़गांव के लिए काम करेंगे, गुड़गांव को साफ रखेंगे ताकि स्वस्थ रहे गुड़गांव।